नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने शकरकंदी नहीं खाई है वो शकरकंदी ज़रूर खाएं। शकरकंदी के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको मार्केट से शकरकंदी खरीदनी है। शकरकंदी आपको पता है इस कलर की होती है जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों शकरकंदी ऐसी होती है, इसको क्या करना होता है, अपने पानी में उबालना है। पानी में जब तक उबल ना जाए तो आप इसको चेक करें। उबलने के बाद आपने क्या करना है, जैसे कोई तीखी चीज़ है उससे आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे समझ लो कि इसके अंदर चली गई पानी से उबलने के बाद, तो समझ लो कि वो गल गई है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमने इसको यहाँ से छीलना है। आप इसके सिक्कड़ को हाथ से भी निकाल सकते हैं अगर नाखून आपके बड़े हैं ऐसे। तो दोस्तों शकरकंदी जो होती है हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को कम कर देती है, और अगर आप खाते हैं तो ये एक प्रकार का आपने सुना होगा कंदमूल जो होता है, हमारे पूर्वज खाते थे कंदमूल वगैरह, तो ये कंदमूल में गिना जाता है। इससे क्या होता है कि अगर हम शकरकंदी खाते हैं, जिन लोगों को सर्दी लगती है वो शकरकंदी रेगुलर खाएं, क्योंकि शकरकंदी से हमें जो एक तो ठंड नहीं लगती है, ऊपर से हमारा शरीर गर्म रहता है। और जिन लोगों को अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो शकरकंदी का सेवन करें। तो आप देख सकते हैं इस वीडियोज़ में मैं आपको आज लाइव दिखा रहा हूँ, शकरकंदी जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हर कोई शकरकंदी का यूज़ करे और खाए, वो भी सर्दी सर्दी में, गर्मी में खाने की ज़रूरत नहीं होती इसको। वैसे तो ये 12 महीने मिलती है, तो जैसे अभी हमने इसको कर लिया तो दोस्तों ये खाने के लायक हो गया। इसको क्या करते हैं, अब हम इसको खाएंगे तो इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इसको खा कर देखते हैं। तो हम इतनी सी तोड़ कर खाते हैं दोस्तों, बहुत ही स्वाद है, बहुत ही टेस्टी है। जिन लोगों ने शकरकंदी नहीं खाई है वो शकरकंदी ज़रूर खाएं। मीठा मीठा सा स्वाद होता है इसका, जैसे हम आलू खाते हैं, आलू तो फीका होता है मगर ये मीठा होता है। तो दोस्तों जिन लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस चैनल का जो मकसद है आप लोगों को ये बताना कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं खाने के लिए जो सेहत के लिए लाभदायक होती हैं। तो दोस्तों और लोगों को भी बताएं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। शकरकंदी हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी होती है, लाभदायक। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं हमारी हर बीमारी को दूर करती है, तो इसलिए हमें ज़रूर खानी होगी। क्योंकि इसके जो ये कोई फल नहीं होता, ये जड़ होती है। तो जड़ में जो पहले आपने देखा पुराने ज़माने में जो लोग थे वो जड़ खाते थे, कंदमूल खाते थे, उससे क्या होता था कि ये उनका शरीर विकसित होता था और मजबूत होता, ताकत आती थी। तो हम भी अगर शकरकंदी खाते तो इससे हमारे मन शरीर के अंदर ताकत आती है, और हमारा शरीर, जैसे सर्दी है तो सर्दी में हमें सर्दी नहीं लगती, हमारा शरीर गर्म रहता है, तो इसलिए हमें शकरकंदी खानी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर सकते हैं और लोगों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।